हमीरपुर जिला में अधिकतर किसान बारिश पर ही निर्भर हैं और बारिश होने पर भी फसलों की बिजाई की जाती है, लेकिन हमीरपुर जिला के नादौन और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चौड़ों के पास पत्ताजी पतन सिंचाई योजना लोगों के लिए सौगात लेकर उभरेगी। करीब 197 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही इस योजना का सिंचाई कार्य शुरू होने पर हजारों किसानों को राहत मिलेगी, जिससे किसान साल भर फसलों के अलावा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी और जिला हमीरपुर कृषि हब के नाम से जाना जाएगा। सिंचाई योजना से 34 पंचायतों के 150 गांवों के 13,000 किसानों को स्कीम का लाभ मिलेगा और सिंचाई करने से खेती बाड़ी को बढ़ावा मिलेगा। हमीरपुर जिला में 197 करोड़ रुपए से तैयार हो रही सबसे बड़ी सिंचाई योजना से किसानों की खेती बाड़ी में बढ़ोतरी होगी और बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र में ब्यास नदी के किनारे चौड़ू जगह पत्ताजी पत्तन सिंचाई योजना का काम मुकल होने वाला है, जिससे 34 पंचायतों के 13,000 किसानों को स्कीम का लाभ मिलेगा। योजना के तहत करीब 150 गांव सिंचाई योजना से जुड़ रहे हैं, जिससे सिंचाई करने से खेती बाड़ी को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि पहले खेतों तक पानी पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन अब जल शक्ति विभाग के प्रयासों से तैयार हो रही सिंचाई योजना से आगामी 2 महीनों में किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा, जिससे किसान अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर सकेंगे। किसान देशराज का कहना है कि पिछले 10 सालों से सिंचाई योजना का काम चला हुआ है और अब पता लगा कि स्कीम पूरी होने वाली है, तो इससे किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि आजकल बारिश नहीं हो रही है, इसलिए सिंचाई योजना चालू होती है तो उसका लाभ खेती बाड़ी के लिए मिल जाता। ये स्कीम तो कई साल से आ रही है, 10-12 साल से यहाँ पर चैम्बर बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तक पानी की कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है। इस समस्या को पता चला है कि यहाँ का जो पानी का काम जो है पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुँचा है गाँव में। अगर पानी आ जाता तो आज बारिश नहीं हो रही है, कल को पानी हम लगा कर खेती तो हो सकती थी, लेकिन हम विभाग से ही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द ये काम जो है पूरा किए। धन्यवाद। ग्रामीण महिला कृष्णा देवी ने बताया कि पताजी पत्तन सिंचाई योजना के शुरू होने से बहुत लाभ होगा और खेतों के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिस कारण किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद जगी है। हमें बहुत सालों से इंतजार था कि हमारी खेतों में पानी लगे और हमें पानी आए भी, और ये लगभग योजना पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। हम बहुत खुश हैं कि पानी लगे, और हम जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, तो अगर पानी लगेगा तो हमारी जमीनों को अच्छा लाभ होगा, हमें भी खुशी होगी। महिला पबली देवी ने बताया कि सिंचाई योजना से किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा और बारिश पर किसानों को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि किसानों को इस योजना के पूरा होने पर खुशी है कि जल्द पानी की सुविधा मिलेगी। खेतों में चैम्बर तो बनकर तैयार हो गए, उन चैम्बरों में पानी नहीं आया अभी तक। हमें पता चला है कि स्कीम पूरी हो गई, अगर पानी आ जाता तो हमें बहुत खुशी होती, बारिश हो नहीं रही है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो खेतों में पानी से सिंचाई करके हम भी अच्छा बीज बीज कर हमारी फसल तैयार हो जाती। IPH हमीरपुर के एक्सी नीरज भोगल ने बताया कि सिंचाई योजना को मार्च माह से पहले शुरू किया जा रहा है और इसके लिए काम जोरों पर चला हुआ है। उन्होंने बताया कि सिंचाई योजना के तहत 34 पंचायतों के 13,000 किसानों को स्कीम का लाभ मिलेगा। योजना के तहत करीब 150 गांव सिंचाई योजना से जुड़ रहे हैं, जिससे सिंचाई करने से खेती बाड़ी को बढ़ावा मिलेगा। एरिया के लिए एक स्कीम बनाई गई है, उसका नाम है मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट नादौन एरिया। इसमें ब्यास रिवर जो है सोर्स लिया गया है। इस स्कीम के अंडर 2980 हेक्टेयर एरिया जो है वो इरीगेट होगा। तो फिलहाल हम जो राइट बैंक है वो हमने अपना कंप्लीट कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी वहाँ पे पूरा हो चुका है, उसकी हमने टेस्टिंग भी ले ली है, जो आउटलेट तक हमारी टेस्टिंग है उसका काम चला हुआ है, तो उसको तो हम मतलब दिसंबर तक टारगेट रखा है उस बैंक को कमीशन करने का, और मार्च में कम्प्लीटली इस प्रोजेक्ट को पब्लिक को जो बेनिफिशियरी वहाँ के हैं उनको हैंड ओवर कर देंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर 20 पंचायतें आती हैं, लेफ्ट बैंक में 14 पंचायतें आती हैं और राइट बैंक में 6 पंचायतें आती हैं, और 147 गांव हैं इसमें जो लोगों को बेनिफिट होगा, और लगभग 13,000 इसमें फार्मर हैं
जिनको कि इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मेन सबसे बड़ी बात है इस प्रोजेक्ट की वो ये है कि हर आउटलेट जो है वो 0.5 हेक्टेयर के लिए दिया गया है। मतलब किसान जो है अपने खेत में आउटलेट से स्प्रिंकलर भी लगा सकता है, क्योंकि हर आउटलेट पे हमारा 10 से 15 मीटर हेड अवेलेबल है। क्योंकि अदरवाइज जो और हमारे स्कीम में होती थी पहले, उनमें आउटलेट पे इतना हेड नहीं अवेलेबल होता था कि हम स्प्रिंकलर लगा सकें, तो उससे क्या होता था लोगों को फ्लड इरिगेशन यूज़ करने पड़ती थी। तो फ्लड इरिगेशन से क्या होता है कि एक तो वाटर की वेस्टेज होती है, प्रॉपर खेतों तक पानी नहीं मिल पाता है, तो स्प्रिंकलर से जो है वो पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी, ड्रिप भी लगा सकते हैं, स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, जिससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी और क्रॉप्स को प्रॉपर जो है इरिगेशन का वाटर भी अवेलेबल होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में 97 करोड़ रुपए के बजट से योजना तैयार किए जाने शुरू हुई थी और अभी तक इस योजना में 104 करोड़ का खर्चा हो चुका है और प्रदेश सरकार के द्वारा योजना को पूरा करवाने के लिए आईपीएच विभाग को पूरा पैसा मुहैया करवा दिया गया है ताकि जल्द योजना का काम पूरा हो सके। सिंचाई योजना से 2 विधानसभा क्षेत्रों सुजानपुर और नादौन के किसानों को लाभ मिलेगा।